आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। रिया चक्रवर्ती अपनी मां के फोन से करती थी ड्रग्स पेडलर से बात, वहीं सुशांत के पूर्व ड्राइवर का दावा कि एक्टर ने कभी ड्रग्स नहीं लिए। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं मनीष सिंह। सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया है। रिया अभी जेल में हैं, लेकिन इस केस में अभी भी कई बातें सामने आ रही हैं। खबर आ रही है कि रिया ड्रग्स पेडलर से अपनी मां के फोन से बात करती थी। रिपोर्ट्स की माने तो रिया के घर पर एनसीबी की रेड के समय पर एक लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किया गया था। इस फोन और लैपटॉप के डेटा से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप सामने आए जिनमें कथित तौर पर ड्रग्स को लेकर बात हुई थी। कहा जा रहा है कि रिया का दूसरा फोन जो उसकी मां के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसका डेटा भी रिकवर कर लिया गया है। वहीं रिया चक्रवर्ती ने टॉप फिल्म मेकर्स पर कुछ इल्जाम भी लगाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताया कि सुशांत को ड्रग्स से एक टॉप फिल्म मेकर ने रूबरू कराया था। हालांकि इस फिल्म मेकर का अभी तक नाम सामने नहीं आया है। रिया चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि वह फिल्म मेकर सुशांत को कई ड्रग्स पार्टीज में लेकर जाया करता था, जहां उसे कोकेन, मेरुआना और एलएसडी से रूबरू कराया गया। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने कहा कि यह सब जानकारी सुशांत ने उन्हें रिलेशनशिप में रहने के दौरान दी थी। इसके अलावा एक्टर्स के साथ फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह गलत बर्ताव किया जाता है, सुशांत ने इसके बारे में भी रिया को बताया था। वहीं टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने दोस्त सुशांत सिंह राजपूत की याद में एक बेहद खूबसूरत पोस्ट लिखी है। दरअसल आज सुशांत की मौत को पूरे 3 महीने हो गए हैं। अंकिता लोखंडे लिखती हैं, हर समय उड़ जाता है, जीवन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ यादें खास होती हैं जो कभी नहीं भुलाई जाती। वे हमेशा हमारे साथ रहती हैं, खासकर उन लोगों की यादें जो हमारे बेहद करीब होते हैं। सुशांत, तुम हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहोगे। अंकिता लोखंडे ने अपने इस पोस्ट में सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति और जीजा विशाल कीर्ति को भी टैग किया है। उन्होंने पेड़ पौधे लगाते हुए अपनी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उन्होंने लिखा कि हाची और माँ मेरे पार्टनर, लगभग हर चीज़ों में मेरे पार्टनर हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। यह हमारा तरीका है सुशांत को याद करने का और उसके सपने को पूरा करने का भी। वहीं मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में एक्टर के पूर्व ड्राइवर अनिल ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। अनिल को सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर देखा गया, उसे पूछताछ के लिए वहां बुलाया गया था। मीडिया से बात करते हुए अनिल ने बताया कि सुशांत खुश और एक्टिव रहते थे। अनिल ने कहा कि सुशांत सर को मैंने कभी भी ड्रग्स लेते नहीं देखा, यहाँ तक कि फार्म हाउस या घर पर उनके कोई पार्टी नहीं हुआ करती थी। हाँ, वह स्मोक जरूर करते थे, लेकिन मेरे सामने उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। इसके अलावा उन्हें मैंने कभी डिप्रेशन में भी नहीं देखा, मैं देखकर लगता ही नहीं था कि वे डिप्रेशन में हो सकते हैं। वे काफी व्यस्त रहते थे और शूटिंग के दौरान काफी एक्टिव रहते थे। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।